तो हम डिस्कस करते हैं इस ट्राइपॉड के फीचर्स। तो सबसे पहले ये आता है टू वे हेड के साथ विद एडजस्टेबल पैन। तो जैसे हम देख सकते हैं ये 180 डिग्री ऐसे रोटेट हो जाता है और 360 डिग्री ऐसे रोटेट हो जाता है। और हम इसको लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं स्क्रूज का। इसको टाइट कर देंगे तो हम ये दोनों लॉक हो जाएगा। फिर बाहर दूसरे इसका फीचर है इसकी स्टेडी रबरिस्ट लेग्स जो ये हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर ग्रिप, तो ये एंटी स्किड है, ये कभी स्लिप नहीं होता। तो इसको आप अनइवन सरफेस पर भी आराम से बैलेंस हो जाएगा। तीसरा फीचर आता है इसका बबल हेड। एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी होता है, वर्टिकल भी होता है। तो इसके अंदर आता है ये एक बबल हेड, ये रहा, और एक बबल हेड ये रहा। तो ये इसकी लेग्स को बैलेंस करने के लिए है, और दूसरा यहाँ पे इसको कैमरा बैलेंस करने के लिए। और फिर आता है इसका मल्टीपर्पज़ हेड विथ क्विक रिलीज। तो जैसे हम विथ क्विक रिलीज मतलब कि हमने इसको किया, ये तुरंत रिलीज होकर बाहर आ जाता है। हम इसको वापस भी लगा सकते हैं ऐसे करके, जैसे हमने इसको वापस किया यहाँ पे लॉक हो गया। और अगर हम आपको सिनेमेटिक शॉट्स लेने हैं 360 डिग्री या 180 डिग्री, तो इसमें आप 180 डिग्री में इसका कैमरा अटैच हो जाता है, और यहाँ पे हम इसको मोबाइल पे अटैच कर सकते हैं इसमें। और कैमरा तो ये कैमरे का तो इसमें अटैचमेंट दी हुई है। मोबाइल अटैच करने के लिए हमें इसमें एक अटैचमेंट और चाहिए होती है, हमें एक्सटर्नल इसे सीरीज खरीदनी पड़ेगी इसके अटैचमेंट। इसको हम यहाँ लॉक करके इससे इसको मोबाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी हाइट की बात करते हैं, तो इसकी हाइट है 5.9 फीट। तो हम देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एल्युमिनियम अलॉय में ही बना हुआ है। तो हम इसको देखें तो ये देखिए, इसका हम बात करते हैं तीसरे स्क्रू की, ये किस काम आता है। तो ये काम आता है, हम इसकी लेंथ को अगर एक्सटेंड करते हैं, तो जैसा कि कैमरा बड़े हैवी होते हैं, तो उसके लिए हम इसमें यहाँ लॉक कर देंगे। ये तो अगर हम नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो हमको इसको यहाँ पर लग करके इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, इसके लॉक की ये है, इसको हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये भी लॉक था तो हम इसको करेंगे, ये भी अनलॉक हो गया। इसके हम लेफ्ट की पोजीशन एडजस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अब ये लॉक हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे, अगर हमारा ज़्यादा हम ये यूज़ होता है बैलेंस के लिए। अगर हमारा कैमरा ज़्यादा हैवी है तो हम इसको इसकी लेग्स को बैलेंस रखने के लिए इस हुक्के नीचे वेट लगा देते हैं, जिससे ये बैलेंस रहे। और इसमें दो एक्सटेंशन दे रखी हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि दो लॉक हैं इसके। तो बस इसके अंदर यही सारे फीचर हैं, और तीन सेक्शन इसके अंदर ये हैं अनलॉक लॉक करने के लिए। और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, मैंने इसका अमेज़ॉन से ऑर्डर किया 2700 में, जैसी कॉस्ट पड़ी है।